एबीपी सांझा देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं दीप्ति जी आ कहनी आ बुलेटिन की शुरुआत कर लैने आ। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान दे वल्लों मंत्रियों नूं वख-वख विभाग अलॉट कर दिते गए ने। हालांकि भगवंत मान ने खुद गृह मंत्रालय रख्या, जबकि खजाना मंत्री की जिम्मेवारी हरपाल चीमे के हिस्से आई है। इस तों अलावा किहड़े मंत्री नूं किहड़ा विभाग दिता गया, उस खास रिपोर्ट विच वेख लैने आ। ਸੌਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 27 ਵਿਭਾਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। मीत हेयर नूं सिख्या मंत्री लाया गया। इस दे नाल ही खेड विभाग भी मीत हेयर नूं ही दित्ता गया है। हरभजन सिंह ईटीओ नूं बिजली महकमा मिलिया है। लालचंद कटारू चक नूं फूड अते सप्लाई विभाग मिलिया है। इसे तरह डॉक्टर बलजीत कौर नूं समाजिक सुरक्षा महिला अते बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई है। हरजोत बैंस दे हिस्से कानून अते टूरिज्म विभाग आया है। कुलदीप धालीवाल नूं पेंडू विकास अते पंचायत राज दा मंत्री बनाया गया है। लालजीत भुल्लर नूं ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया गया है, जदों कि ब्रह्म शंकर जिंपा नूं जल अते आफत प्रबंधन विभाग मिलिया है। देखो, मैनूं बड़ी खुशी है कि भावें टफ जॉब है, पर मैनूं खुशी है कि जो साडे लई पार्टी लई मेन एजेंडा, जिहड़ा साडा मेन मॉडल है, उन्होंने एक महकमा मेरे ते देख के साड़ी हाई कमांड ने मेरे ते विश्वास दिखाया भी मैनू इस काबिल समझे भी मीत ये काम कर सकता। सो मैं इमानदारी चाहे 18-18 घंटे काम भी करना पाया करांगे, इमानदारी करांगे ते पंजाब दा जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है उनू बेहतर बना के दिखावांगे। सो सानू दा हुण मनीष सिसोदिया जी की गाइडेंस उन्हां तों लैके उन्हां दा तजर्बे तों सीख के भी किस तरह उन्होंने जिहड़ा सुधार लैके आंदा, किस तरह स्कूल अच्छे बनाए, किस तरह उन्होंने स्कूलों के बच्चे पढ़े IIT क्लीयर कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। सो सारिया जिहड़ियां पॉलिसीज है वह जरूरत है कि वह पंजाब दे विच इंप्लीमेंट करिए। देखो, ओवर द नाइट कुछ नहीं होंगे, मैं कहां भी रातों रात ठीक हो जूगा। पहले साडे ट्रांसपोर्ट मंत्री उन्होंने काले नहीं पवांगे कि एक परिवार दीआं बसां बंद करांगे, भावें होवे आम आदमी पार्टी के बंदे की बस, क्योंकि सानू सारिया वोटां पईआं, जे सरकार बनी तो वड्डे पद्धर ते वोटां पईआं। भावें साडे आम आदमी पार्टी के बंदे की बस होवे, भावें अकाली दल कांग्रेस के बंदे की जिहड़ी नजायज़ चलदी हो, उहदे ते कारवाई करांगे, कारवाई करके उन्हां नूं बंद करांगे। मान कैबिनेट का हिस्सा बने डॉक्टर हरपाल चीमा दिड़वा तों विधायक ने, जिन्हां की उम्र 48 साल है ते उन्होंने LLB की पढ़ाई की है। हरपाल चीमा ने चोणां दौरान गुलजार मूनक नूं हराया है। चीमा ने अकाली दल के उम्मीदवार गुलजार सिंह नूं 50,329 वोटां नाल हराया ते दूजी बार दिड़वा तों विधायक चुने गए ने। 2017 च चीमा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की सी अते 2018 च विरोधी धर दे लीडर बन गए। सुखपाल खहरा तों बाद उन्हां नूं LOP बनाया गया सी। गुरमीत सिंह मीत हेयर बरनाला तों विधायक ने, जिन्हां दी उम्र 32 साल है ते पढ़ाई BTEC कीती हुई है। मीत हेयर ने अकाली दल दे उम्मीदवार कुलवंत कीतू नूं हराया। मीत हेयर ने 37,101 वोट नाल जित दर्ज कीती सी। दूजी बार बरनाला तों MLA बने ने मीत हेयर। इसे तरह डॉक्टर बलजीत कौर मलोट तों विधायक ने ते उन्हां दी उम्र 46 साल है। बलजीत कौर ने अकाली दल दे हरप्रीत सिंह नूं हराया अते 39,722 वोटां दे फर्क नाल जित दर्ज कीती। बलजीत कौर फरीदकोट तों साबका MP साधु सिंह दी बेटी ने। डॉक्टर बलजीत कौर पेशे वजों अखां दे डॉक्टर भी ने। इसे तरह हरजोत बैंस आनंदपुर सुख तों विधायक ने, जिन्हां दी उम्र महज 31 साल है ते पढ़ाई LLB कीती हुई है। हरजोत बैंस मान कैबिनेट सब तो छोटी उम्र के मंत्री हैं, जिन्होंने राणा KP नूं हराया सी। हरजोत बैंस ने 45,535 वोटों के फर्क नाल जित दर्ज की सी। इस तो पहला 2017 च सानेवाल तो चोण लड़े अते 39,000 वोट हासिल किए सन। डॉक्टर विजय सिंगला मानसा तो विधायक ने अते उन्होंने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले नूं चित किया है। उम्र 52 साल है ते पेशे वजों डेंटल डॉक्टर ने।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ 2015 'ਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ ਉਕਲੌਤਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ 13,859 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ 7843 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਤੇ 53 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25,383 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 2017 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਭੋਆ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 51 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੇ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 1204 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਭੋਆ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 10,999 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਟਨ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਨ, ਆਪ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ। ਬਣਨੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਝ ਮੇ
दिखाया है कि इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी कम आयु में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल ली है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इतनी शक्ति बख्शे कि हम ईमानदारी की राह पे चल के जो जिम्मेदारी मेरी पार्टी, मेरे नेता, मेरे लीडर, मेरे मेंटर अरविंद केजरीवाल जी मुझे दे रहे हैं, मैं उसे बखूबी निभा सकूं। हरभजन सिंह इन्होंने भी आम आदमी पार्टी वालों राज्यसभा लई नामजदगी भरी है। हरभजन सिंह भारतीय ते अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का वड्डा नाम है। क्रिकेट की दुनिया में हरभजन सिंह नूं टर्मिनेटर के नाम नाल जाने जाता है। भारतीय टीम के स्टार स्पिनर रहे हरभजन सिंह क्रिकेट के सारे फॉर्मेट्स तो रिटायरमेंट ले चुके हैं। हरभजन सिंह जलंधर के रहने वाले ने। 3 जुलाई 1980 हरभजन सिंह का जन्म होया। हरभजन सिंह नूं भज्जी के नाम नाल भी जाना जाता है। भज्जी ने भारत लई 20 साल क्रिकेट खेडी। दुनिया के प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाजा चो एक ने हरभजन सिंह। 2007 T20 विश्व कप जेतू टीम का हिस्सा रहे। 2011 विश्व कप जेतू टीम का हिस्सा सन भज्जी। अर्जुना अवार्ड से पद्मश्री नाल सन्माने जा चुके ने हरभजन सिंह। बिल्कुल जी, मैं इतने किसी आउट नहीं करना आया, मैं इतने सगों सारे नाल जोड़न आया कि असं मिलजुल के अगे देश की तरक्की लिए काम करिए, पंजाब की तरक्की लिए काम करिए। और मैं खुशकिस्मत हाँ, मैं इस लायक मेरे वीर ने मैं समझिया और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगला नाम है प्रोफेसर संदीप पाठक का। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के नीति घाड़े के तौर पर पिछले कई सालों तो काम कर रहे हैं। संदीप पाठक अक्सर परदे के पिछों पार्टी लिए काम करते रहे हैं, अपनी सादगी लिए जाने जाते हैं। IIT दिल्ली तो पढ़ाई की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो PhD की। IIT च फिजिक्स के प्रोफेसर, केजरीवाल ते भगवंत मान के करीबी। पंजाब च बूथ लैवल तक संगठन बनाया। 3 साल तक पंजाब च पार्टी की मजबूती लिए काम किया। आम आदमी पार्टी ने जो मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय भगवंत मान जी का और आम आदमी पार्टी के सारे लाखों कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो भी जिम्मेदारी होगी वो मैं पूरी दिल से, दिल जान लगा के निभाएंगे। अशोक मित्तल इन्होंने भी आम आदमी पार्टी वालों राज्यसभा लई नामजदगी भरी है। अशोक मित्तल का नाम पंजाब के वड्डे कारोबारियों में शामिल है। इन्हां दे परिवार ने सब तो पहला लवली स्वीट्स नाम की दुकान शुरू की थी, फिर लवली इंस्टीट्यूट बनाया, तो फिर इस नूं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बना दिता गया। अशोक मित्तल की विद्यक योग्यता LLB है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, LPU के संस्थापक, भारत दीयां वड्डियां यूनिवर्सिटियां चों इक है। LPU विच 50 तो ज़्यादा देशों तो विद्यार्थी पढ़ते हैं। समाज सेवा ते सिक्ख्या दे खेतर च कीते काम लई अशोक मित्तल जाने जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी अशोक मित्तल होरां दी देख रेख हेठा ही चल रही है। LPU ने अपने कैंपस के आस पास के 50 तो ज़्यादा पिंडां नूं गोद लिया होया है। इत्थे सिद्ध सने कई तरह के कैंप लगते हैं। मित्तल भरावां ने मिल के अपने कारोबार विच बुलंदियां छूईयां ने। लवली ऑटोमोबाइल का शोरूम खोलिया, जिस विच सब तो पहला बजाज स्कूटर बेचने शुरू किए, फिर मारुति की एजेंसी ली। अगला नाम है संजीव अरोड़ा का। संजीव अरोड़ा पंजाब के वड्डे उद्योगपतियों च शामिल ने। लुधियाना च एक्सपोर्ट हाउस चलाते ने। कृष्णा प्राण ब्रेस्ट कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते ने। 15 साल तो कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं। संजीव अरोड़ा जिन्ना ध्यान अपने बिजनेस उत्ते देंदे ने, उन्ना ही समाज सेवा के काम नाल भी जुड़े हुए हैं। दरअसल इन्हां दे माता पिता नूं कैंसर सी, जिस कारण मौत हुई। इस तों बाद संजीव अरोड़ा ने आर्थिक रूप नाल कमजोर लोगों नूं कैंसर तों बचाउण दा प्रण लिया। उन्हां दे संस्थान विच कैंसर तों पीड़ित लोगों का मुफ्त विच इलाज किया जाता है। संजीव अरोड़ा का ट्रस्ट पिछले 15 सालों तो पंजाब के लोगों की सेवा कर रहा है। ट्रस्ट हुण तक 160 तो ज़्यादा कैंसर के मरीजों का इलाज कर चुके है। संजीव अरोड़ा लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल के
गवर्निंग बोर्ड विच भी जुड़े हुए ने। अरोड़ा पंजाब के एक प्रमुख संस्थान लुधियाना के सतलुज क्लब सचिव रह चुके ने। कोरोना के दौरान उन्हें एंबूलेंस पीपीई किट और दूजिया जरूरी चीज़ा दान करके लुधियाना जिला प्रशासन की मदद की। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। सोमवार को पंजाब की 16वीं विधानसभा के लिए कोटकपुरा तो विधायक कुलतार सिंह संधवा को स्पीकर के तौर पर चुन लिया गया। हालांकि सर्वसम्मति के नाल उन्हां दी चोण हुई और कुलतार संधवा ने बतौर स्पीकर के तौर पर अपना कार्यभार भी संभालिया। सोमवार को विधानसभा सैशन के दूजे दिन की कार्रवाई शुरू हुई तो सब तो पहला कोटकपुरा तो विधायक कुलतार संधवा 16वीं विधानसभा का नवा स्पीकर चुनिया गया। मुख्यमंत्री मान वालों कुलतार संधवा का नाम स्पीकर लिए नॉमीनेट किया गया तो वह सर्वसम्मति दे नाल स्पीकर चुने गए। चोण तो कुछ देर बाद ही कुलतार संधवा ने विधानसभा के स्पीकर का अहुदा भी संभालिया। इस दौरान सीएम भगवंत मान वालों संधवा का मूँह मिठा करवा के बधाई दी गई। मैं जो मेरी पंजाब की भलाई के लिए जोड़े भी फैसले लेने पे वो पंजाब की विधानसभा का 16वीं विधानसभा का स्पीकर बिल्कुल लेगा और अज साडे लीडर ऑफ हाउस माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी ने भी ये बारे उचेचा जिक्र किया। सो ये जेडे भी स्टैप्स लैन की लड़ा वो जल्दी तो जल्दी लवान। ਜੈਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਡਰੈਸ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। संधवा ने भरोसा दिता है कि बतौर स्पीकर वह बिना भेदभाव काम करेंगे। जेकर कुलतार संधवा के सियासी सफर की गल की जाए, कुलतार संधवा ज्ञानी जैल सिंह के छोटे भरा के पोते ने जिन्होंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हुई है। कुलतार संधवा 2003 च पहली बार पंचायती चोण लड़े। 2003 तो 2008 तक वह पिंड के सरपंच रहे। साल 2011 तो 12 च आम आदमी पार्टी के मैंबर बने। आप दे किसान विंग के सूबा प्रधान भी रहे ने। 2017 च उन्होंने कोटकपुरा तो विधानसभा की चोण लड़ी ते वड्डी जित हासिल करके पहली बार विधानसभा पहुंचे। इस बार फिर 2022 कोटकपुरा तो चोण जित के विधायक बने ने। जेकर विधानसभा के स्पीकर अहुदे दे हुण तक दे इतिहास की गल की जाए, पंजाब विधानसभा च हुण तक 19 स्पीकर रहे ने, 2 आजादी तो पहला ते 17 आजादी तो बाद। आजादी तो पहला शहाबुद्दीन विरक अते सत्या प्रकाश स्पीकर रहे। आजादी तो बाद कपूर सिंह पहले स्पीकर सन, जिन्हों तो बाद सत्यपाल सिंह, गुरदयाल सिंह, प्रबोध चंद, हरवंस लाल गुप्ता, जोगेंद्र मान, दरबारा सिंह, केवल कृष्ण, रवि इंदर सिंह, सुरजीत सिंह मिनसाहा, हरचंद सिंह अजनाला, हरनाम दास जौहर, दिलबाग सिंह, चरणजीत सिंह अटवाल, निर्मल सिंह कालों, राणा केपी। ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੀ। हुण गल संयुक्त किसान मोर्चे की करते हैं, जिसके सदे के उत्ते पंजाब भर के डीसी दफ्तर के बाहर किसानों के वलों प्रदर्शन किए गए हैं। आखिरकार प्रदर्शन क्यों हुए ने, पूरी खबर इस रिपोर्ट के वेख लें। कई महीनों के बाद किसानों ने मुड़ केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। केंद्र सरकार उत्ते इल्जाम विश्वासघात करने लाए जा रहे हैं, जिसके तहत सोमवार को सूबे भर किसानों ने हर डीसी दफ्तर के बाहर रोस प्रदर्शन किए। केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी गई है कि जेकर जल्द बाकी मंगा पूरियां ना कीतियां गईयां तां किसान मुड़
दिल्ली मोर्चा संभालणगे। अपनी अधूरियां मंगां नूं लैके मुख्यमंत्री दे शहर संगरूर च भी किसान यूनियन अगराहां वल्लों वड्डा धरना दित्ता गया। इस धरने की अगवाई किसान लीडर जोगिंदर सिंह अगराहां ने की। किसानों का इल्जाम है कि केंद्र सरकार ने धोखा किया, जेकर मंगां जल्द पूरियां ना कीतियां गईयां तां संघर्ष होर तिखा होवेगा। अज तक जिहड़ियां दिल्ली अंदोलन दियां रहिंदियां मंगां ने जिहड़ियां लागू नहीं होईयां उन्हां दे संबंध च रखे हुए कट ने सारे हिंदुस्तान दे संयुक्त मोर्चे की 14 तरीक नूं जिहड़ी दिल्ली मीटिंग होई है उहदे विच तय होया सीगा वी सारे जिला हैडक्वार्टर सब डिवीजनां ते इह प्रदर्शन होणगे, उहदी रोशनी दे विच इह प्रदर्शन होणगे। कुछ अजिहियां ही तस्वीरां बरनाला दे डीसी दफ्तर अगे वी वेखण नूं मिलियां, जिथे बीकेजू कादियां अते बीकेजू डकौंदा दे बैनर हेठ वड्डी गिणती औरतां समेत किसानां ने केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी की। किसानों मुताबक जिन्हां मंगां नूं लैके दिल्ली का किसानी अंदोलन मुलतवी किया गया सी ओह अजे तक अधूरियां पईयां ने। ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਉਹਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ PS ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਖਮੀਰਪੁਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।